से दिल की बात सुनने वाला आपके ही YouTube चैनल में रहते विश्वमय ब्लॉग में आप सब लोग का स्वागत है। आज जाने वाले हम ब्लैक रॉक स्विंग बीच, जो Instagram पे बहुत फेमस है। सेल्फ ट्रैवलिंग, आराम से घूमते जाओ, फिरते जाओ, एंजॉय करते जाओ। हो रही रिचू एंड रीवा, गूगल मैप देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। चिकन बर्गर है, ये चिकन बर्गर बेस्ट है, बेस्ट। आपको स्वीट भी नहीं लगेगा। चिकन चीज बर्गर फ्रेश 7-Eleven ना, बेस्ट है ये। सुबह का ब्रेकफास्ट कई जगह पे ऐसे ही बैठ जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। और सुबह का ब्रेकफास्ट कोरल व्यू पॉइंट, कोरल व्यू पॉइंट। रॉक बीच स्विंग पे आने के लिए पतोंग बीच पे से आपको आना पड़ेगा कोरल व्यू पॉइंट, और ज्यादा से ज्यादा आपका 25 मिनट लगेगा और आप आ जाओगे कोरल व्यू पॉइंट, और उसके नीचे ही है रॉक बीच स्विंग। हम वॉकिंग करके जा रहे हैं, लोकेशन पे आ चुके हैं, और लोकेशन पे पहुंच के है ना, ये 200 मीटर जितना अंदर नीचे चलना पड़ेगा, पूरा स्लोप है ये। रॉक स्विंग, रॉक बीच स्विंग, ये है ना कुछ रिसोर्ट जैसा है या कैफे जैसा है, उन लोगों ने पूरा ये बनाया है, जो इंस्टा पे बहुत ही फेमस चल रहा है। तो सोचा यहाँ पे भी आ जाते हैं, और क्या है प्राइस मनी वो चेक करना पड़ेगा, एंट्री फी है नहीं है, यहाँ पे करना पड़ा है। एडल्ट का प्राइस भी लगेगा आपको, एडल्ट का प्राइस भी लगेगा और चाइल्ड का प्राइस भी लगेगा। आप रिक्वेस्ट करोगे तो कुछ कर पाएंगे, लेकिन ये एडल्ट का हमने पे किया है 500 बात, ये देखो 500 बात, ये है। यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी, ये छोटी सी जो मिनी टैक्सी आती है ना, वो सब इंक्लूड ही है इसमें, अभी ये सब कुछ इसमें इंक्लूड है। अब ओ रॉक बीच स्विंग, ओ ये नीचे रिसोर्ट है ना, वो मेरे हिसाब से रिसोर्ट में लेके जाएंगे ये। ये पूरा रॉक बीच है, वाह। वहाँ पे देखो, वहाँ पे तो बहुत बढ़िया बनाया है उन लोगों ने। हम लोगों ने बात की ना, तो बच्चों का हमारा वैसे फ्री हो चुका है, बच्चों का हमारा जो जाकी और रीवा है उसका फ्री हो चुका है, और हमारा 500 बात चार्ज लगा है। ये पूरा स्लोप है, ये पूरा नीचे ले जा रहे हैं, ये पूरा 11-12 पॉइंट है, और वो सब इसमें इंक्लूड है। 11-12 पॉइंट पे आप जा सकते हो और पिक्चर्स ले सकते हो। ये पूरा है ना फोटो सेशन एरिया ही है, पूरा फोटो सेशन है, लेकिन अच्छा है। जो हमने सुबह मॉर्निंग में की थी, मॉर्निंग में हम लोग निकल गए थे 11 बजे के आसपास निकल गए थे। वाओ वाओ, अमेजिंग, द बेस्ट व्यू। रॉक व्यू पॉइंट, रॉक बीच व्यू पॉइंट उसका है ना। लोकेशन भी मैं नीचे गूगल में रख दूंगा लोकेशन भी, तो आप यहाँ पे हम लोग जैसे बाइक हायर की ना, तो आप एक्टिवा हायर करके भी आ सकते हो। ये देखो, ये फर्स्ट स्टॉप है, ये फर्स्ट स्टॉप है, ये सेकंड स्टॉप है, यहाँ पे फोटो सेशन कर सकते हो आराम से। आपका 2 घंटे तो आराम से निकल जाए, 2-3 घंटे तो आराम से निकल जाएगा। हम आए यहाँ पे, हम आ चुके थे 3:45 के आसपास, तो हम लोग आ चुके थे 3:45 के आसपास तो आ चुके थे हम लोग। और ये बीच का नाम ही है रॉक बीच। गोवा में जैसे अंजुना बीच है ना, अंजुना बीच रॉक पत्थरों का बीच, वैसे है ये रॉक बीच। ये है सेकेंड लोकेशन, यहाँ पे देखो ये रिलैक्स भी ये लोग कर रहे हैं, कम से कम 2-3 घंटा बस यहाँ सो जाएंगे। वापिस आ चुकी है स्वर्ग की सीढ़ी।
आपको यहाँ पे मैरिज, वो क्या बोलते हैं मैरिज का शूटिंग को क्या बोलते हैं, प्री वेडिंग शूटिंग करनी है, तो बेस्ट जगह है यहाँ पे, प्री वेडिंग शूटिंग की तो बेस्ट जगह है। नाइस व्यू है, बहुत बढ़िया व्यू है, और बैठे बैठे पी रहे हैं शैंग बियर। फोर्थ फाइव ये सब लोकेशन है यहाँ पे, रॉक बीच। अब झूलेंगे झूला, जो मेन है ना यहाँ पे मेन वो है ये। पतोंग से आप आओगे ना तो पतोंग से 35 मिनट जितना 35 आधा घंटा जितना लगेगा आपको यहाँ पे आने में। और हम लोग तो आपको पता ही है कि हम लोग मोटर बाइक पे एक्टिवा पे ही, हम लोग व्हीकल का एक्टिवा पे हम लोग जर्नी कर रहे हैं। पहला मारो, पहला मारो, माँ बाकी रह गया बदा ने अपने चाहिला गया पहला, पहला मारो, पहला मारो। ये सब जगह पे तो आपको इंडियंस देखने वाले ही नहीं है कि भाई ये सब जगह पे कोई इंडियंस आएगा मेरे हिसाब से। तो पानी का बॉटल ले लिया? ओ यस। गैलरी रिसोर्ट, बहुत बढ़िया रिसोर्ट है गैलरी रिसोर्ट, काटा पे आया है, काटा पे, काटा व्यू पॉइंट से। हाँ हाँ,